टू अवर लाइव सेशन। इससे हम लोग रिविजन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उनको आप सोच के करेंगे विद इन टाइम बाउंड्रीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डायमेंशन से लेकर के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, इतना पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। फिर लेटर ऑन धीरे धीरे टॉपिक्स को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक बच्चों। तो स्टार्टिंग विद वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरीबडी, सब लोग होपफुली अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों लाइव सेशन का एक रीज़न ये भी है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का एक शेड्यूल सोचा रखें, 2 से 3 का एक घंटे के लिए आपसे मुलाकात करी जाए, आप हमसे मिलते रहें, हम आपसे मिलते रहें, क्वेश्चंस करें, थोड़ा सा लाइवलेस बनी रहे। इतना नेगेटिव माहौल चारों तरफ चल रहा है, न्यूज़ देखो तो कोई कुछ बवाल, कभी कुछ हो रहा है ना, तो एक अजीब सा फेज चल रहा है लाइफ का, और उसमें पढ़ाई भी हमें करनी है। तो पढ़ते हुए अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस बच्चों ये नहीं करेंगे हम, जैसे बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स में आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर चलता रहता है, हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की साइकोलॉजी देखेंगे, हम एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन में क्या रिएक्ट करने वाले हैं, कैसे हम बिहेव करेंगे, और हमारी कहाँ पे क्या कमियाँ या क्या गलती हो सकती है, इससे वो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो हम ऐसे आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। कोई रश ओवर करना हमारा पर्पस नहीं है, एक घंटे की आपसे मुलाकात है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में मिलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा, और एक अच्छी फीलिंग के साथ चलते रहेंगे। एक डिप्रेशन या एक कट ऑफ जो लगता है ना, जैसे कि हम कट गए, कोचिंग कहीं चली गई, सर कहीं चले गए, हम कहीं चले गए, तो वो वाली फीलिंग नहीं रहेगी, है ना। रोज एक शेड्यूल में आपको 2 बजे अपना फ़ोन ऑन करना है, और मुस्कुराते हुए हमें देखना है, और हमें मुस्कुराते हुए आपको देखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया, डेंसिटी एंड वेलोसिटी एज एफ प्रोपोर्शनल टू एरिया डेंसिटी वेलोसिटी ए बी सी and you have to find the value of ABC, then the values of A, B, C are, और ऑप्शन दे दिया गया A1, B-1, C2, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया A1, B2, C-2, चौथा ऑप्शन दे दिया गया ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, ठीक है। ठीक, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। करें
ठीक बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स एरिया डेंसिटी और वेलोसिटी, तो हमें मालूम है हम इस तरफ डायमेंशन जो भी दिया था पुट कर देते हैं, एम एल टी माइनस टू इक्वल टू के, और एक जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, एल स्क्वायर पावर ए, एल स्क्वायर पावर ए। डेंसिटी आपको मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एल क्यू, तो एम एल माइनस थ्री पावर बी, और वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन पावर सी। अब यहां से हमें दिख रहा है कि एम एल टी माइनस टू इक्वल टू के एल टू बी, और कहां पर, यहां पर एल माइनस थ्री बी, और कहां पर प्लस सी। इधर देखो मास सिर्फ यहां पे एम बी, और टाइम सिर्फ यहां पर टी माइनस सी। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एम कंपेयर किया, एम वन है बी वन है, तो बी के वैल्यू क्या होगा बच्चों, वन। जैसे बी वन दिखाई पड़ा आप क्या देखेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, बी वन कहाँ लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है और डी में लिखा हुआ है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों। अगर बी वन सिर्फ एक ही ऑप्शन में होता तो हम बाकी सॉल्व करते नहीं, तो हम ए और सी को नहीं निकालेंगे, हम सीधा टिक कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे पास बी की वैल्यू वन दो ऑप्शन में, सी में और डी में, तो अब हमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। जैसा हमने बताया ना कि बच्चों इस पर हम खाली क्वेश्चन आंसर नहीं करते रहेंगे कि जो है ये इसका आंसर ये हो गया इसका आंसर, हम इसको समझेंगे अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर कि एग्जाम में हमें क्या करना है। ठीक है, दैट इज द रिविजन एंड दैट इज द पर्पज, कि बातचीत करते हुए समझेंगे। तो अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार अगर एक ही ऑप्शन होता टिक करके निकल जाते, लेकिन अब क्या है दो में लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया तो सी आंसर सही है या डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, टी की जगह पे टी है, सी की जगह माइनस, सी जगह माइनस टू लिखा है, इसका मतलब सी वैल्यू क्या होगा बच्चों, टू। अब सी वैल्यू टू कहां पे लिखी हुई है, सी वैल्यू टू यहां पर लिखी हुई है, यहां नहीं लिखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। क्या हमें अब ए सॉल्व करना है, ए हमें नहीं सॉल्व करना है। हाँ, अगर हम इलेवेंथ स्टैंडर्ड में और हमको अपनी कॉपी जमा करनी है, मैडम को स्टेप चेक करने हैं, तब तो आप करेंगे, है ना, समझ लो। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, तो देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ बी और सी के तो निकाली, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं किया, इतनी बड़ी क्वेश्चन लिखी हुई है इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, जिसको करना हो करता रहे, तुम्हारा आंसर आ गया, डी आंसर इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, यही करना होता है एग्जाम में, बी क्लेवर एंड बी फास्ट बी स्विफ्ट, सटासट चलते चलिए। ठीक है, मतलब में चक्कर ना पड़े कि अब इसमें पुट करें करके देखना, तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपको सही करना, उनको क्या लिखा हुआ एल टू बी और ये ए लिखना, सॉरी एल टू ए माइनस थ्री बी वगैरह, ये ए लिखना सॉरी। ठीक है, अब हम ए के सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, काम हो गया हमारा, अब हम यहाँ से रुकेंगे, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी वो जो कह रहा था कि हैविंग नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग एंड यूजिंग योर नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। कई बच्चों का बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, क्लास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन एग्जाम में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और वो एग्जाम के बाद या हमेशा ये कहते रहते हैं सर पता नहीं हमको एग्जाम में क्या हो जाता है। तो जो पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है बच्चों, इसी पे हम लोग बात करते चलेंगे, और आप फील करेंगे कि आफ्टर द ऑल द सेशंस आर ओवर रिवीजन के, आपको लगेगा कि हाँ ये जो पता नहीं वाला फैक्टर है ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर था और उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अरे तुम बेटा कर सकते हो, मेहनत करो, है ना, मेहनत करो, मेहनत का डायरेक्शन और मेहनत के लिए एनालिसिस कि हम किस तरफ कहाँ किस जगह पे वीक पड़ रहे हैं या क्या हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इन सब के एनालिसिस करते हुए आप अगर पूरा भी जो टाइम बचा है इसमें रिवाइज करेंगे, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल है, इफ अ क्वांटिटी, इफ अ क्वांटिटी, अब देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, दोनों सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन दोनों में तरीका अलग होता है। If a quantity P depend on capital Q, R and S as dash, P
पी बराबर लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर आर एस क्यू सॉरी आर अपॉन अंडर रूट एस फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी इफ परसेंटेज एरर ऑफ क्यू आर एंड एस आर 1%, 3% एंड 2% रेस्पेक्टिवली एंड 2% रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्यू का परसेंटेज एरर 1, आर का 3 और एस का 2%। यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ पी। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था कि यहाँ पे हम सिंपल रूल लगाते हैं पावर इनटू एरर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर की पावर 1 और एस की पावर बच्चों -1/2। आप क्या करेंगे, पावर इनटू एरर, परसेंटेज ऑफ पी क्या लिखेंगे, पावर इनटू एरर, एरर कितना है पी का 1 प्लस पावर इनटू एरर, आर का एरर कितना है 3 प्लस एस की पावर कितनी -1/2, लेकिन हमने क्या लिखा +1/2 और एरर क्या है 2। तो हमने +1/2 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि हम हमेशा हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं, हम एनी एरर या ऑर्डिनरी एरर नहीं लेते, हमेशा क्या लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो बच्चों जितना भी नेगेटिव साइन होगा उसको आप क्या लेंगे पॉजिटिव, क्या लेंगे पॉजिटिव। तो आपका ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, लिखा हुआ 2 + 3 = 5, 5 + 1 = 6% इज द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ पी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब एग्जाम में आप क्या इस स्टेप को लिखेंगे, नहीं, क्या इसको लिखेंगे, नहीं, ये नहीं लिखना है, लेकिन क्योंकि आपको बताया जा रहा है, रिवाइज करा रहे हैं, इसमें हम आराम से समझा रहे हैं, वरना क्या करते हैं, यहाँ लिखते 2%, 2 × 1 = 2, 3 + 1 = 5 और 1 = 6 आंसर आ गया। आप कैसे करते हैं, यहाँ पर क्यू का देखते हैं, यहाँ क्यू का कितना है 1%, 2 आ गया, आर कितना 3, आ गया 3 और इसका हाफ और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचेगा, तो कितना आ गया 6%। एग्जाम में आप बस इतना करते, यहाँ देखते हो, यहाँ से बताते, देखते कौन सा ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते। एग्जाम में बताया ना, आपको स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। चलो देखो, अब हमने बोला कि हम तो 2 क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में तरीका डिफरेंट होता है, और इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखें कि कब हमें क्या लगाना है। तो बच्चों जो पावर इनटू एरर का तरीका हम लगाते हैं, पावर इनटू एरर का तरीका कब लगाएंगे, जब हमारे एरर्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे 2, 4, 10, 15% तक, मैक्सिमम 15, इसके ऊपर नहीं, ठीक है। क्योंकि एरर का मतलब होता है बच्चों, एरर का मतलब होता है गलती, और गलती क्या होती है, छोटी सी होती है, तभी तो गलती है, तो 2, 4, 5% गलती। और जैसे कह रहे 50% का एरर, तो क्या है 50% का एरर करोगे, 100% का एरर, 100% का एरर, तो बात समझो, बात ये है, एरर और चेंज, परसेंटेज चेंज में फर्क समझो थोड़ा सा, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, आराम समझो, ठीक, ज़्यादा जल्दी आओ नहीं, पढ़ो, इंटरेक्ट करो, रिलैक्स रहो, ठीक है, आओ। जैसे कह रहे इस लेंथ को नापना, अब इस लेंथ को नापने में हमने स्केल रखी, नापने में थोड़ा लेंथ को थोड़ा सा इधर चले गए या थोड़ा सा इधर, थोड़ा कम है थोड़ा ज़्यादा नाप लिया, थोड़ा ज़्यादा मतलब 10 सेंटीमीटर की थी, हमने मान लो 10.1 नाप लिया, इतने तो करोगे, या 9.9 मान नाप लिया, 9.8 नाप लिया, थोड़ा कम है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आप नाप सकते हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी 10 सेंटीमीटर आप यहाँ जाके स्केल एंड कर दो, यानी अपना खेत आपको नापना है ना, मेड़, तो उस मेड़ पे थोड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप ना खेत से निकले और दूसरे के खेत में आधा घुस गए जाके और वहां निशान लगा दिया और कह रहे हैं भैया गलती से आपका आधा खेत हमरे में आ गया है, गलती से आ गया, 50% दूसरे का तुम खेत हड़पे ले रहे हो गलती से, गलती थोड़ी छोटी मोटी होती, गलती से आपको किसी से कंधा लड़ जाता है, भैया सॉरी, किसी का हाथ लग गया सॉरी, किसी गलती से चाकू नहीं मार देते हो, कह रहे भैया गलती से चाकू लग गया, That is, आप ये लगाएं, और अगर आ जाए 50% 100% तो वहां पे तरीका बच्चों बदल जाता है, क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन में देखो और समझो कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, ठीक है, इस तरह भी आप क्या करोगे, एग्जाम्पल देखें,
इफ मोमेंटम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बुक में आपको मिलेगा, ठीक है। हम कोई और बहुत ही क्वेश्चन के अलग तरह से करा सकते हैं रिलेशंस में, लेकिन इसको करा सके मिलेगा। तो ये मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो जो अब यहां पे हम लोग एरर इनटू पावर इनटू एरर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, पावर इनटू एरर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे यहां पे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एज वी नो, हमें पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है बच्चों, 2mk, ठीक। तो पहले स्टेप आप क्या करिए, सबको 100 मान लीजिए, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो 2m से कोई मतलब जो है नहीं गया, तो आप मोमेंटम को प्रोपोर्शनल टू k लगा दीजिए ऐसे, और उसके बाद क्या करिए, यहाँ लिखो 100p और यहाँ लिखो 100k। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, आपका जो लास्ट स्टेप आता है ना, ये वाला डेल्टा के बाय के इनटू 100, तब आपका परसेंट बनता है, ये वाला स्टेप आपका गायब हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जस्ट व्हाट यू डू, दोनों तरफ से 100-100 मान लो, 100p प्रोपोर्शनल टू 100k। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100, इंक्रीज बाय 100%। याद रखो जब भी किसी चीज का दाम 100% बढ़ जाता है, समझो अपने पे डबल हो गई, 10 रुपए की चीज 20 की बिक रही है, कितनी हो गई 100%, 10 रुपए की चीज 30 रुपए की बिक रही है, तो 10 रुपए कितने 10 बढ़ गए, 2 10 बढ़ गए, तो 200%। 10 रुपए की चीज 40 रुपए की बिक रही है, तो 10 रुपए कितने 10 बढ़ गए, 3, तो 300%, ऐसे। और कहा जाए 10 रुपए की चीज 15 रुपए की बिक रही है, तो 5 रुपए बढ़ा, ये 10 का आधा बढ़ा, कितना 50% इंक्रीज हो गया, ठीक बात। तो अगर कहा जाए मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100%, तो इसका जो 100 था क्या हो चुका है, 200 हो चुका है, 200p प्रोपोर्शनल, ये क्या है, ये के डैश है, यानी जो चीज अननोन बच्चों उसको आप के डैश कर दें, 100 से 200 हो गया, 100 से ये क्या हो गया, हमें निकालना है, तो मास को जाने दो, मास के कोई अपने प्रोपोर्शनल लगा दो, इनका रेशियो करो, आपका आंसर डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, कैसे करोगे, 100p अपॉन 200p बराबर 100k अपॉन के डैश, ये पूरा कैंसिल कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2, तो क्या लिखा बच्चों, 1/2 इज इक्वल कितना, 100k बाय k डैश, स्क्वायर कर दो, क्या लिखा है, 1/4 इज इक्वल टू 100k बाय k डैश, k डैश क्या लिखा बच्चों, k डैश लिखा 400k। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि जो चीज 100 की है अगर 300 की बिक रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200% बढ़ गया, 100 की है और 400 की बिक रही है, तो 300% बढ़ गया। तो सोचो काइनेटिक एनर्जी 100k थी, अब कितने की, 400k की, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 100 के ऊपर 300, यानी कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, डायरेक्टली आप लिख दें 300%, आपको कोई चेंज वेंज करके नहीं निकालना, दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब फिर बात है एग्जाम के लिए आप क्या करें, एग्जाम में ये सब भी नहीं करेंगे, सोचो देखो मेंटल लेवल पे चलते हैं, मेंटल लेवल पे तुम कितना कर सकते हो ये देख लिया जाए, मेंटल लेवल जो भी तुमने तुमको करा, हमने करके दिखाया, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे सामने चल रहा है, तुमको मालूम है अगला स्टेप क्या आने वाला, तो क्या उसको लिखते रहोगे, नहीं, क्या करोगे, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी, हमें मालूम है मोमेंटम काइनेटिक रिलेशन क्या है, पी प्रोपोर्शनल टू रूट के है, ठीक है, इसको 100 मान लिया, इसको 100 मान लिया, चलो इतना लिख लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 100% बढ़ गया, यानी ये क्या हो गया 200p, ये क्या हो गया के डैश, तो अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको 200 मानोगे, उसको के डैश मान के रेशियो करोगे, हाँ करेंगे, करने के बाद क्या बचेगा, 200/p 100p/200p तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो क्या लिख रहे हो, क्या लिखोगे, 1/2, 1/2 बराबर अंडर रूट 100k/k'। अब उसके बाद क्या, कोई स्क्वायर लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे तो पता है ना 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, तो क्या उसको लिखोगे, नहीं, तो क्या बचा, 1/4 बराबर 100k/k', तो k' मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट k' कितना आ गया, 400k आ गया, इसका मतलब k कितना हो गया, 300%,
जो चीज तुम्हें पता है अगला स्टेप तुम्हें पता है कि हम यहाँ पे 100 पी करेंगे, 200 पी करेंगे, फिर यहाँ की डैश लिखेंगे, उसके बाद रेशियो करेंगे, अगर रेशियो में कट बटा जाएगा 1/2 बचेगा, तो रूट लगाओ स्क्वायर कर दो 1/4 बचेगा। अरे तो सब जब जो चीज पता है कि अगले स्टेप क्या आने वाला है उसको एक मिनट का पॉज देकर स्किप कर दो और मेंटल वेव उसको चलने दो, यू विल सी दैट कि आपका सीधा आप डायरेक्ट जाके आप आंसर को हिट करेंगे। तो क्या समझे बच्चों कि अगर 2, 4, 10, 15% तक है तो पावर इनटू एरर मार दिया करो, और अगर 50% 100% 200 है तो पहले 100 मान के ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। देखो एक क्वेश्चन अब तुम अपने आप को रोगे इसी तरह का, लेकिन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से अलग है ना, और ऐसा लगेगा कि वही क्वेश्चन बस और कुछ है ही नहीं दुनिया में। देखो कहा जाए इफ वेलोसिटी ऑफ अ मैकेनिकल वेव, वेलोसिटी ऑफ अ मैकेनिकल वेव इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 200% बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी चेंज्ड। अब बच्चों अगर आपको वेलोसिटी और टेंशन में रिलेशन नहीं पता है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, और पता है तो आप तुरंत कर लोगे, और तुरंत भी कैसे, वाकई फटाफट वाला। कौन सा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाय म्यू, फॉर्मूला याद है? हाँ, नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट टी बाय म्यू, टी क्या है टेंशन, म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ। कोई भी वेव रस्सी में या रोप में या धागे में खींचने पर था, अगर खींच कर रखो तनाव आ जाए, झटका दोगे वेव चलेगी चलेगी, तो चलती उस चलती वेव की वेलोसिटी क्या हो जाती है, अंडर रूट टी बाय म्यू, वेयर टी इज टेंशन, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि केजी पर मीटर। तो अब क्या करा जाए, करा ये जाए कि वेलोसिटी में 200% इंक्रीज करना है तो टेंशन में कितना परसेंट इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या समझे बलिलाल, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, हमने कुछ लिखा नहीं अभी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ओके, अब क्या हुआ, 100 वी 100 टी रूट के अंदर, दोनों 100 मान लिया, हाँ मान लिया, 100 वी और 100 टी अंडर रूट के अंदर। अब वेलोसिटी 200% बढ़ानी है तो सोचो जो चीज 200 100 थी 200% बढ़ जाएगी, यानी कि अपने ही को आपको डबल कर ले दो बार, 10 रुपए की चीज 20-30 रुपए, यानी कि अगर 100 थी और 200% बढ़ गई तो कितनी होगी, इधर 300 वी, इधर क्या हो गया टी डैश। तो अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा है, तुमने भी कुछ नहीं लिखा है, क्या हुआ, वी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, 100 वी प्रोपोर्शनल टू 100 टी, डन। 200% लॉसी बढ़ानी है तो इधर हो गया 300 वी टी डैश। ओके, रेशियो करा, क्या लिखा हुआ इधर, 200 वी बटे 300 वी, इधर लिखा अंडर रूट टी अपॉन टी, 100 टी अपॉन टी डैश, तो क्या बचा, इतना लिख दो ऐसा तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर चल चला जाए, 200 वी अपॉन 100 वी क्या बचेगा, 2/3 बराबर क्या लिखा था, 100 टी अपॉन टी डैश, दोनों स्क्वायर कर दो क्या बचेगा, 4/9 बराबर 100 टी अपॉन टी डैश, तो टी डैश कितना बच्चों, 900 टी बटे 4, 900 टी बटे 4। अब इसको तुम कितना जल्दी डिवाइड कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर क्या बचेगा बोलो, फटाफट बताओ क्या है ये, 900 बटे यानी क्या है बोलो, 450/2 t' के, और ये क्या लिखा हुआ है, 225, तो t' बराबर 225 t, ठीक है, समझ गए स्टेप्स, इसको और जितना जल्दी कर सकते थे कर सकते हो। अब बताओ कोई चीज पहले 100 थी, अब 225 हो गए, 100 से 225 हो गए, 100 के ऊपर कितना बढ़ गया, डायरेक्ट तुम्हारा परसेंटेज आएगा 125% आंसर। इसमें आपका डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आकर डिवाइड मल्टीप्लाई अगर इसको भी मेंटल वेव पे कर सकते थे तो कर लेते, इसलिए हमने कर दिया ताकि ऐसा ना हो सब कुछ हवा में चला गया, ठीक है। चलो भाई, तो दो तरह के क्वेश्चन आपने करे, एक तो पावर इंटू एरर और दूसरा आपने करा कि इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होता है, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस 1D के क्वेश्चंस प्लस वेक्टर के, दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं,
कभी कभी आपको लगता है कि 1D क्वेश्चन, कभी लगता है कि वेक्टर क्वेश्चन, वो एक्चुअली होता सेम है। तो थोड़ा सा वेक्टर को टच करता हुआ क्वेश्चन पहले करते हैं। जैसे एग्जांपल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल इन इट्स लास्ट टी सेकेंड ऑफ मोशन when it is projected vertically upward, ठीक है। एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, तो उस बॉल के लास्ट टी सेकेंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो बताना है, ठीक है। ये यानी यहां पे आके रुक गई होगी, तो ये जो आखिरी के टी सेकेंड्स हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, ये पूछा जाता है, ठीक। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हमारी कोशिश है कि वो सारे क्वेश्चन कवर कराते चलें जो एग्जाम्स या बुक्स में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है, लास्ट ही सेकंड। तो इसमें लास्ट ही सेकंड में करना क्या होता है, ये क्वेश्चन 22 वर्ष चलता है। जब बॉल ऐसे जाती है ऊपर तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और जब ये रुक करके वापस आती है बच्चों तो उसी रेशियो में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। ऊपर तरफ ये वेलोसिटी कम होती जा रही है, नीचे तरफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इधर देखो, यहां से लेके यहां तक इसका लास्ट ही सेकंड था, तो यहां से यहां तो जो इसने डिस्प्लेसमेंट टी सेकंड में किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये रिटर्न जर्नी में बच्चों करेगा, उतने ही टाइम में दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर। तो इसको आप अपवर्ड में सोचेंगे तो आप सोचेंगे सर वेलोसिटी नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसको आप रिवर्स में सोचिए कि जब ये बॉल वापस आएगी बच्चों तो इस टी और इस टी का अगर यहां से 10 सेकंड यहां से 10 सेकंड दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर। तो आप क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू हो गया जीरो, एस बराबर क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों लास्ट टी सेकंड का आपका डिस्प्लेसमेंट है हाफ जी टी स्क्वायर, यही डिस्प्लेसमेंट आपके टी सेकंड अपवर्ड के समय और लौटते समय वही डिस्प्लेसमेंट आते समय करता है। तो ये डाउनवर्ड जर्नी के क्वेश्चन से बच्चे कभी भी गड़बड़ करते हैं, बाकी तो याद ही रखते हैं। तो द आंसर इज हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसी को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दे, वो कहते हैं कि लास्ट दो सेकंड बताओ, लास्ट तीन सेकंड में बताओ, तो तुम इसको एज अ फॉर्मुला याद कर सकते हो, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 9.8 दे तो वो यूज कर लो, 10 दे तो यूज कर लो, टाइम की वैल्यू तुम्हें पता ही रहेगी, ठीक है। तो लर्न दिस लाइक अ फॉर्मूला अपवर्ड के टाइम पर, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है बुक्स का, वो भी अपवर्ड के लिए ही है, उसको भी कर लो। और बच्चों में कई बार बता चुके हैं, मैंने मैसेज में एक बच्चों को पढ़ा तो उसमें पूछ रहा है बच्चा कि क्या डिफिकल्टी लेवल होगा क्या नहीं होगा, और एक बच्चा कह रहा था सेमीकंडक्टर पहले खत्म करा दीजिए। बच्चों सेमीकंडक्टर की वीडियो हम इसी चैनल पे आपको देते जा रहे हैं, और हर वीडियो के आसपास हम कहते भी परेशान ना हो, कवर हो रहा है। अब उसमें क्या बचा है, सेमीकंडक्टर्स का ब्रेकडाउन, जंक्शन ब्रेकडाउन बताना है, एवलेंस और जेनर, और फिर जेनर का वोल्टेज स्टेबलाइजर, फिर एम्पलीफायर, सेमीकंडक्टर खत्म, ठीक है। एक या दो वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा लॉजिक गेट, उसमें एक या दो वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सितंबर में एग्जाम है, अभी अगस्त की शुरुआत है, बहुत ही आराम से स्मूथली हम करा देंगे उसको, ठीक है। और भी बहुत सारे काम करते रहते हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, रिवीजन भी करा रहे हैं, ओमेगा चैनल पर भी पढ़ा रहे हैं, केडी सिंह भी पढ़ा रहे हैं, और शाम के क्लासेस भी ले रहे हैं, नया बैच भी स्टार्ट कर दिया। तो इन सब के बीच में टाइम निकाल निकाल के वीडियो बना करके अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। डोंट थिंक कि जो है सर चुपचाप बैठे हुए और हमारा जो है हमें वेट करवाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। और ये भी देखो, दो से तीन का टाइम में निकाला तुम्हारे लिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग बातचीत कर सकें, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे लगे कि हाँ भाई हम अभी कंटिन्यूस जर्नी में हैं, जर्नी अभी एंड नहीं हो गई, ठीक है। बाकी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो है वो फिर उसको बता दें,
कि इस बार इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो टाइम लॉस हुआ है, जो कोर्स नहीं हो पाया वगैरह, इन सिचुएशंस को देखते हुए या ऐसे कभी कोई और प्रॉब्लम जब भी रही है, पेपर बहुत इजी बनता है। तो बच्चों इस बार बहुत अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें, इसमें चूकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप आराम से निकाल सकते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी या डिफिकल्ट नहीं आने वाला, टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड आप स्टिक करके चलिए। अपने आप को रिवाइज रखिए, प्रॉम्प्ट रखिए, प्रॉम्प्ट मतलब जैसे ही पूछें वैसे आप जवाब दे सकें, तो बस और कुछ खास करने को नहीं रहेगा। आप देखेंगे पेपर सब कुछ आपका पढ़ा हुआ आया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है पढ़ा हुआ होता है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होता, तो वो सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, बात फॉलो हो रही है ना। चलो देखो क्वेश्चन, देखो अभी अपवर्ड वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ u द displacement of the ball in its third and fourth second are equal। ठीक है, तीसरे और चौथे सेकंड में उसके डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएं तो यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करो। ठीक है बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे एस एंथ वाले क्वेश्चन से कि एस एंथ बराबर यू प्लस ए बाय टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन, तो इससे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि बच्चों याद रखिए, कंटिन्यूअस जर्नी में लगातार बॉल ऊपर चलती जाए, ठीक है, तो लगातार जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कम कम होता जाता है। जैसे कहा जाए फर्स्ट सेकंड में ये है, ये सेकंड सेकंड में ये है, थर्ड सेकंड में ये है, फोर्थ सेकंड में, यानी कि जैसे जैसे बॉल ऊपर चलती जाती है इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बॉल ऊपर जा रही हो ये दो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए। तो तुम सोचोगे सर जब कभी नहीं हो सकता है तो आपने क्यों पूछा कि थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड में इक्वल हो जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आपको पूछना ही चाहिए। तो बच्चों ऐसा होता लगातार नहीं होता है, लेकिन जैसा कि हमने बात करी थी कि बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया यू से और बॉल तीन सेकेंड के बाद आफ्टर टाइम थ्री सेकेंड के बाद बॉल रुक जाए, तो क्या हुआ, ये हो गया आपका पहला सेकेंड फर्स्ट, ये कौन सेकंड हो गया सेकंड, ये कौन सा था थर्ड सेकंड। अब थर्ड सेकंड बाद बॉल रुक जाए तो फोर्थ सेकंड बॉल कहां जाएगी, फोर्थ सेकंड ऊपर नहीं आएगी, वापस आएगी, तो ये रिटर्न जर्नी शुरू हुई, ये था थर्ड सेकंड, अब ये रिटर्न कर रही, दिस इज फोर्थ सेकंड। तो अब क्या हुआ, तीन और चार सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से इक्वल हो सकता है थर्ड फिर ये फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड सेकंड के बाद बॉल रुक जाए तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, v बराबर u प्लस at, v बराबर u कितना मालूम नहीं, और क्या माइनस टेन, टाइम क्या है
थर्ड सेकेंड, 3 सेकंड और रुक जाए, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। तो यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में इतना थिंकिंग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए हमने बता दिया तुमको। ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो, देखो इधर, जब कहे कि थर्ड एंड फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, तो जो छोटा वाला टाइम है उसमें जी मल्टीप्लाई करके बोल दिया करो दिस इज द आंसर, उसमें जी मल्टीप्लाई करके बोल दिया करो दिस इज द आंसर, जो भी छोटा वाला हो। और जी अगर 10 दिया हुआ बच्चों, तो आपका आंसर कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। आप तुम समझो, कोई कहता है सिक्स्थ एंड सेवेंथ में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, तो छोटे वाले में 10 से मल्टीप्लाई करते 60 मीटर पर सेकेंड आंसर। कोई कहते चौथे और पांचवे में डिस्प्लेसमेंट बराबर, समझ गए, छोटे वाले को पकड़ लाओ, छोटे वाले में 10 मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये तो और बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया। हाँ, यही बता रहे थे कि अगर कोई तुमसे कहता आठवें नौवे में डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ग्रेविटी 10 है, आंसर क्या है, 80 मीटर पर सेकेंड, खत्म। आठवा नौवा छोटा कौन है, 8, 8 में 10 मल्टीप्लाई करते 80 मीटर पर सेकेंड, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको मैंने थ्योरी बताई, समझाई कि हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद क्या किया, जो लोअर वाला है उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मली जी 10 दिया रहता है तो 10 से नहीं तो 9.8 दिया तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ओके, कहीं लिखा हो सेकंड और थर्ड सेकंड स्टूडेंट बराबर, ग्रेविटी 9.8 है, तो 2 × 9.8 कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, खत्म। ठीक, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, कभी कभी बहुत छोटे बेसिक पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही बेसिक वाली बात पे, कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल moving on a circular track for its position between P1 and P2. यहां से एंगल थीटा बनाया हुआ और P1 से P2 के बीच उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, P1 से P2 का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो आपको मालूम है कि P1 से P2 डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। ये अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो एक आंसर आता है, उसको याद रख लेना आपको, आर ये पूरा रेडियस है इसका, सॉरी 2R sin θ/2, ये इसका रिजल्ट रहता है, इसको आप याद कर लें, डिस्प्लेसमेंट इज 2R, R इज द रेडियस, साइन थीटा बाय 2, थीटा का आधा, कैसे किया था बताया था, ये आपका x/2 हो जाता है, उसका ट्राइंगल सॉल्व करेंगे θ/2 हो जाता है, ट्राइंगल सॉल्व करेंगे उससे रिजल्ट आ 2R sin θ/2। ठीक है, करेक्ट। इसी में कभी कभी वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है कि व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी बिटवीन P2 एंड P1 व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी स्पीड है v और ये कांस्टेंट है, तो बिटवीन P1 से P2 व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी में चेंज कितना है, तो बच्चों उसका आंसर भी आप ऐसे याद कर लो, 2V sin θ/2। ठीक है, फिर तो बच्चों थोड़ा ऐसे रैंडम करके हम रिवाइज कराएंगे, ऐसा नहीं कि पहले सारी क्वेश्चन मोशन क्वेश्चन करते जा रहे हैं, उसके अचानक से कहीं से क्वेश्चन बीच में हाँ रहेगा वो मैकेनिक्स के पार्ट का, तो उसका रीजन ये होता है कि आपका ब्रेन जो है एकदम से उस डायरेक्शन जाता है, फिर उसको इधर ले आते हैं, उधर जाते हैं, तो इससे आप सफल होते रहेंगे और समझ गए, टाइम जो आपका जो फ्लैश टाइम होता है कि आपके दिमाग में तुरंत क्या आया और आपने कितने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, ये मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में या फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन टच कर रहे हैं, वो इस साल के हिसाब से इम्पोर्टेंट मान के बता रहे बेटा, तो ये वीडियोस आप बिल्कुल रेगुलर रिवाइज करेंगे और जितनी जगहों पर बताते आएंगे उन जगहों पर फोकस करेंगे।
अभी इधर एक महीने में जो रिविजन हो जाएगा आपका इस तरह से, उससे बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब ये तो भूल ही जाए कि जब ऑफलाइन हम तुमसे मिलेंगे, अगर मिलेंगे अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, है ना। वाई टू वेट कि कब ये होगा तब वो होगा, कुछ भी कह नहीं सकते। जो चल रहा है चल रहा है, 13 सितंबर एग्जाम होगा, वैलेंटाइन नहीं होगा तो फिर कभी ना कभी तो हो गई, है ना। चलो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो लोग कर रहे हैं यार। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इफ वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ टैप, टैप ऑन टूटी फ्रॉम अ टैप एट रेगुलर इंटरवल्स, when the third drop is about to leave the tap, first drop just touches the ground, find the height of the second drop at that moment, take height of the tap from the ground 20 meter, take g बराबर 9.8 meter per second square। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पानी की बूंदे नल से टोटी कभी भी ढीली रह जाती है, कभी टोटी हमने कस दी होती तब भी पानी टपकता है, वासर खराब हो जाता है ना, फिर वो बदला जाता है। तो टोटी हमने टाइट कर दी है लेकिन बूंदे टपक रही है, टपक रही है। टोटी की हाइट कितनी, 20 मीटर पे है। प्रैक्टिकल डाटा तो प्रैक्टिकल नहीं है, 20 मीटर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन दिया तो दिया है। 20 मीटर से पानी बूंदे टपक के नीचे गिर रही है, तो सिचुएशन ये है कि तीसरी बूंद टोटी से निकलने वाली है। उस समय पहली बूंद जमीन को टच कर चुकी है, टच की जस्ट किया है, उस मोमेंट पे सेकंड ड्रॉप कहाँ है, तो कहते हो सेकंड ड्रॉप सब हवा में होगी, पहले टच करने जा रही तीसरी निकलने वाली, तो सेकंड हवा में होगी, तो सेकंड वाले जो हवा में उस वक्त है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी, ध्यान रखना। कभी कभी हाइट ग्राउंड से पूछता है, कभी कभी टैप से पूछता है, कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द टैप इन दिस ड्यूरेशन, तो दोनों चीज अलग है। डिस्टेंस पूछे कवर्ड, तो टैप से होता है कवर्ड, और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड नीचे से आ गई, समझ गए। हाइट हमेशा ग्राउंड से और डिस्टेंस कवर्ड हमेशा ऊपर से। तो क्वेश्चन पूछा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो क्या करा जाए। तो इसके लिए बच्चों नॉर्मल तरीका ये है कि हम देखते हैं कि पहली बूंद ने जमीन तक आने में कितना टाइम लिया, उस टाइम इंटरवल को हम दो पार्ट में बांटते हैं, उसके बाद फिर उससे डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं S1, और उसके बाद टोटल हाइट में से डिस्टेंस कवर्ड घटा देते हैं, तो ग्राउंड से हाइट निकल आती है। ठीक है, और हम ये सब नहीं करते हैं, आपको पता ही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि टोटी से पानी की बूंदें टपक रही है, ये पहली बूंद जमीन को जस्ट टच कर रही है, तीसरी बूंद निकलने वाली है, और अभी ये दूसरी बूंद हवा में है, तो कह रहा है कि दूसरी बूंद की ग्राउंड से हाइट कितनी है। ठीक है, तो पूरी एंटायर जमीन को आप कितने पार्ट में बांटोगे, एक और दो, और आपको मालूम है जब इंटरवल इक्वल होता है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताया था, हाँ 1:3:5, लेकिन यहाँ पे कितने पार्ट है, दो पार्ट है, 1:3, 1:3, यानी ये वाला पार्ट कितना, वन पार्ट है, ये कितना है, 3 पार्ट। हमें कौन सा पार्ट बताना बच्चों, हमें तीसरा पार्ट बताना है, तो तीसरा पार्ट बताना है, टोटल कितना है, टोटल 20 मीटर है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हाँ सर हो गया, याद आ गया कुछ, हाँ सर याद आ गया, क्या करोगे, 30 के तीसरा पार्ट बताना है, 20 को चार पार्ट में बांटा, 20 को चार पार्ट में बांटा कितना हो गया, 5 मीटर का एक पार्ट हो गया, ऐसे 3 पार्ट बताना है, कितना आंसर आ गया, एच बराबर 15 मीटर इज आंसर। ठीक है, ना इसमें हमने कोई हाइट निकाली, ना हमने टाइम निकाला, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जब ड्रॉप इक्वल इंटरवल होता है तो डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5 का होता है, और यहाँ पे केवल दो सेगमेंट बन रहे हैं, तो ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, 1 और 3 कितना हो गया 4,
तो 20 के चार हिस्से करें 5 मीटर का एक हिस्सा, उसमें तीसरा हिस्सा बताना है तो 15 मीटर इज द आंसर। ठीक है, एग्जाम में हम ये अप्रोच लगाएंगे और आंसर अपने तरीके से बहुत स्पीड से निकाल सकते हैं। ठीक बात, ओके। अब देखो बच्चों, और एक और क्वेश्चन जो कॉमन है, काफी आता रहता है, मतलब काफी तो आता नहीं रहता है, लेकिन बुक से मिलता है तो बच्चे उसको कभी कभी गलत कर देते हैं, उनका आंसर सही नहीं होता उससे। ठीक है, तो देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं और फिर परसों थर्सडे को, थर्सडे यानी 6 अगस्त को फिर हम लोग लाइव आएंगे। 2:05 पे आपका लेट हो गया था नेटवर्क की वजह से, 2:05 फिर आएंगे, 2:05 से 3:05 का अपना टाइमिंग रहेंगे। ठीक है, 6 अगस्त को सेम टॉपिक कंटिन्यूशन पढ़ते हुए आना, बस तुम पढ़ के आया करो मैकेनिक्स ज्यादा चिंता करे बिना, और आके यहाँ पे मस्ती से सुना करो, जो क्वेश्चन तुमसे हो पाए कर लिया करो, ना हो पाए तो सोल्यूशन देख लिया करो, ना डिप्रेशन लिया करो, ना कुछ लिया करो, ना कुछ सोचा करो कि क्या होगा क्या नहीं हुआ, आया है कुछ नहीं, खुश रहो मस्त रहो, सबसे पहला काम अपने आप को स्वस्थ रखो बस। ठीक है, इफ यू आर हेल्दी एवरीथिंग इज ओके। ठीक, और बाकी पढ़ते रहो ऐसे ही, क्वेश्चन करते रहो, और वीडियो तुम्हें मिलते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लिया करो, वो हमारा काम हम पे छोड़ दो, विश्वास करते हो तो छोड़ दो, हम कर दें करा देंगे सब। अभी देखो ये क्वेश्चन एज अ फॉर्मुला को आप याद कर ले, बहुत सही रहेगा। जब भी कोई बॉल गिरती है या कोई ड्रॉप गिरती है, हम ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं उन सब चीजों को टच करने की जो नॉर्मली लोग फोकस करके नहीं पढ़ते होते हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा फोकस कर लें। एक बॉल गिर रही होती है तो एयर का जो अपथ्रस्ट है इज नेग्लेक्टेड, एयर का अपथ्रस्ट बच्चों क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, देन ओनली वी टेक ए बराबर जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम एयर का अपथ्रस्ट नेगेट कर देते हैं तब ए बराबर जी, यानी जी की 9.8 या 10 होती है। अब समझो, इफ एयर डेंसिटी या अपथ्रस्ट इज कंसीडर्ड, अगर हम उसको कंसीडर करें, देन अगर हम एयर के अपथ्रस्ट को या एयर की डेंसिटी को कंसीडर करेंगे बच्चों, तब हमारा एक्सीलरेशन, इफेक्टिव एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये बन जाएगा, इसको आप याद कर लें, नेक्स्ट जब इस पे क्वेश्चन और कराएंगे पूछेंगे। ए बराबर जी 1 - σ/ρ, ए बराबर जी ब्रैकेट 1 - σ/ρ, जहां पे रो है इस बॉल की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी, डेंसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर। अब कभी कभी क्या होता है, एयर या पानी भी हो सकता है, तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेंगे, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ एयर या वाटर। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए बराबर जी ब्रैकेट 1 - σ/ρ। ठीक है, क्लियर है, भूलने की जरूरत नहीं। रो, रो कौन रोएगा भाई, जो गिर रहा है रोएगा कौन, जो गिर रहा है, तो कौन गिर रहा है, बॉल गिर रही है, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ गिरती हुई चीज, रो रही है गिर रही है, तो रो इज द फॉलिंग बॉडी की डेंसिटी। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर हवा है तो ले लेंगे एयर, पानी है तो ले लेंगे वाटर, बिकॉज फ्लूइड इज द कंबाइंड वर्ड यूज फॉर बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स, फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो, तो फ्लो एयर भी करती है और लिक्विड भी करता है। ठीक है, तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि एक ब्रिज पर से, ब्रिज के नीचे पानी था, नदी थी, ब्रिज पर से हाइट ब्रिज की दी गई, वहां से बॉल को टपकाया गया, बॉल जब पानी के सरफेस टकराती है तो बॉल पानी के अंदर कितनी डेप्थ तक जा पाएगी, पानी की डेंसिटी जब दी जाती है बॉल की डेंसिटी दी जाती है, तो उस केस में बॉल क्या होगी, नीचे चलती है, रिटार्ड होती जाएगी, तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, ए बराबर जी 1 - σ/ρ। ठीक है, तो होपफुली आज की बातचीत से थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा आपको, और अगर फायदा होता रहे तो इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए थर्सडे को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए कि क्वेश्चंस कराना शुरू करा दिया है, और रिवीजन के को हम क्वेश्चन के थ्रू ही रखेंगे और ऐसे डिस्कस करते चले जाएंगे, पूरी फिजिक्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे 2:05 से 3:05 तक, और इसको स्प्रेड कर दें जितने ज्यादा बच्चों में आप कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सन पे, तब तक के लिए इट्स केडी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।